वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है लाइफ दोगुना। मैं हूं रवि और ये है राहुल। और वैसे इस बार फिर से काफी डिले नहीं हो गया राहुल? बिल्कुल कोई बात नहीं, दे रहा है दोस्त है, लोगों सही कह रहा है। का प्यार इतना मिल रहा है, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो दे रहा है, लेकिन सही मौके पर आ रहे हैं और कुछ अच्छे करके जाएंगे, तो आए देर से तो बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल जैसे कि बताया था पिछले वीडियो में भी, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रेनोवेशन वर्क चल रहा था, उसकी वजह से जो जगह थी हमारे पास छिन गई वो है। छिन गई है। थोड़ा सा मुश्किल हो रही है शूटिंग वूटिंग में और थोड़ा टाइम एडजस्ट करने में, तो इस वजह से डिले चल रहा है। बट डोंट वरी, कोशिश हमारी यही है कि जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, मैनेज करके आपके लिए वीडियोस हम लेके आते रहे। तो राहुल, और देर ना करते हुए चलो, आज तो आज क्या खिला रहे हो? आज आप क्या खिला रहे हो? पहले कल पिलाओ फिर। खिलाओ फिर। चल तो फिर थोड़ी देर में मिलता है रेसिपी के साथ। बिल्कुल। तो भाई ये रहा हमारा आज का चखना, क्या जिस अच्छा कहिए। नाम रिंगर रिंगर उदित। नहीं भाई, ये है अनियन रिंग। अच्छा भाई, कैसे लग रहा? भाई बढ़िया लग रहा है। हाँ हाँ, के देख कैसे कैसे पता चलेगा भाई, आपको क्रिस्पी चलेगा। सा कुछ लग रहा है इसमें तो। बिल्कुल क्रिस्पी अनियन रिंग था। क्रिस्पी आवाज आ रही होगी। हाँ क्रिस्पी। भी टेस्टी भी है। मैं दारू लवर्स को बता रहा हूँ,
इसकी रेसिपी तो ले लूँगा मस्त है भाई भाई। और ये चटनी क्या है ये ना घर पे लास्ट वीक डोमिनो से पिज्जा ऑर्डर किया था तो ढेर सारा वो आ गया था ओरिगेनो ओरिगेनो इकट्ठा किया ढेर सारा अपना नॉर्मल मेयो कैचअप थोड़ी सी क्या कहते हैं सोया सॉस और ढेर सारा चिली सॉस पे ज्यादा एम्फेसिस ढेर सारा चिली सॉस क्योंकि इसका मेरा पर्पस था इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने का उसको अच्छे से मिक्स करो उसमें डाल दो अपना ओरिगेनो ओरिगेनो से एक जो आती जो थोड़ा सा क्या कहते हैं जो इफेक्ट आता है थोड़ा सा इटालियन इफेक्ट जो आता है सॉस का वो आता है और बाकी जो अपना स्पाइसी और जो सॉस है एकदम एक दूसरे को ब्लेंड करते हैं मजेदार है सॉस। अरे भाई मजेदार है प्लस इसमें जो ये टच दे रखा है पेपर का इसका कोई मेन भाई मतलब ये एक ऐसी डिश है ना कि ये स्ट्रीट टाइप डिशेज जैसे अच्छा स्ट्रीट टाइप फूड स्ट्रीट टाइप फूड होता है कि भाई आपको ना जरूरी नहीं है कि बैठ के ही खाना पड़ेगा ज्यादातर हम जब स्ट्रीट में कुछ भी लेते हैं तो ऐसे न्यूज़पेपर में रख के हम ऐसे पकड़ा देते हैं वगैरह ठीक है जैसे फिशेज वगैरह जो जो भी जितना फ्राइड फूड जो हमें इंडिया में मिलता है ज्यादातर इसी तरीके से सर्व करते हैं वो लोग न्यूज़पेपर में पकड़ा के आपको दे देते हैं इवन अगर वो प्लेट भी होता है तो प्लेट के ऊपर भी न्यूज़पेपर बिछा देता है ताकि प्लेट वो दोबारा यूज कर सके गंदी ना। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा स्ट्रीट इफेक्ट देते हैं इस चीज को तो उसी के लिए मैंने थोड़ा सा मेरी समस्या तो ये है कि अगर इस रेसिपी को हम बनाते हैं कहीं पे भी कोई भी बनाए घर पे बनाए बाहर बनाए ऐसे कोई स्वीटर जो टच दे देता है ना उससे ये रेसिपी ना कनेक्ट हो जाती है दिलों से कि भाई कॉमन सी चीज है भाई कोई भी खाए कोई भी पिए ये वाली चीज आती है एग्जैक्टली मतलब इससे सस्ती डिश और इससे अच्छी डिश आपको मिलेगी नहीं है ना। अब भाई बढ़िया निकालते हैं बोतल निकालते हैं भाई ये है एक्लिप्स प्रीमियम विस्की भाई ये तो पहली बार सुनी है ये मतलब ये क्या ब्लेंडेड माल्ट विस्की है भाई ब्रांडेड माल्ट ओ भाई बढ़िया विस्की है बहुत ही कम लोग मैं कहूंगा इसके बारे में जानते हैं क्योंकि हाँ इंडिया में मतलब बहुत ही कम सेगमेंट के लोग इसके बारे में भी जानते हैं और बहुत ही अच्छी विस्की है। हाउस ऑफ सुला सुना होगा आप लोगों ने सुला सुना होगा हाउस ऑफ सुला के मैन्युफैक्चरर ने बनाई है। अच्छा मतलब जो सुला जो इंडिया में जो वाइन है इंडियन वाइन जो बनाते हैं सुला उन्हीं के बिल्कुल मतलब उन्होंने विस्की भी बनाना फाइनली स्टार्ट कर दिया बिल्कुल 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 अच्छा सही है यार ये चीज तो भाई देख मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ इस ब्रांड को तो मुझे तो ज्यादा नॉलेज है नहीं ना इसकी हिस्ट्री के बारे में ना कौन मैन्युफैक्चरर है तो तू भाई हाउस ऑफ सुला का ब्रांड है सुला आपने सुना ही होगा उसी का ब्रांड है ये सुला का ही ओके ठीक है ना। और मिस्टर योगेश माधर है इसके को फाउंडर जिन्होंने ब्रांड इंडिया में लॉन्च करा है ठीक है उनको 30 मास्टर ब्रांडर है 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको विस्की और वाइन में ओके जी हाँ 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस काफी है यार बिल्कुल अच्छा तो मतलब अब वाइन के बाद अब उन्होंने विस्की बनाना स्टार्ट कर दी वैसे मतलब देखा जाए तो इसको मतलब आप ऐसे कह सकते हो वाइन कन्वर्टेड इनटू विस्की उसको मतलब ये कहना उनको अच्छा भी लगता है मिस्टर योगेश माथुर को क्योंकि ऑलरेडी उनके जो उनके ब्रांड थे वो सारे ग्रेप्स पे ही उस पे हैं तो ये भी ग्रेप्स को ज्यादा इसमें यूज करा गया अच्छा ग्रेप बेस्ड वाइन है ग्रेप बेस्ड वाइन है और मेरे ख्याल से इंडिया में ये ओनली वाइन है जो ग्रेप बेस्ड वाइन होगी मेरे ख्याल से तो इंडिया इसमें सबसे ज्यादा ग्रेन यूज हो रहा है इसके अंदर ग्रेप्स का अच्छा बिल्कुल सही है मतलब वैसे देखा जाए जो इनकी स्ट्रेटेजी है काफी सही है क्योंकि इंडिया में इस टाइम विस्की काफी ज्यादा हाई पे चल रही है विस्की काफी ज्यादा फल फूल रही है इंडिया में तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये भी शायद यही मोटिव रहा है कि ये भी विस्की पे आ गए हैं बनाने के लिए बिल्कुल। और इंग्रेडिएंट्स देखिए भाई सर इसमें क्या है इंग्रेडिएंट देखो इंग्रेडिएंट्स में इसके इम्पोर्टेड माल्ट स्कॉच क्या बात है स्कॉच यूज कर रहे हैं पीटेड मैच्योर्ड माल्ट स्पिरिट भी है बैरल एज्ड ग्रेप स्पिरिट है ग्रेन स्पिरिट भी है और वाटर प्लस नेचुरल कलर एड है ठीक है और एडेड फ्लेवर भी है। और भाई इसका प्राइस क्या है प्राइस इसका बहुत अच्छा है इसका प्राइस 1200 ओनली है इंडिया में दिल्ली में 1250 के हिसाब से महंगी नहीं होती है नया यार पी के मालूम पड़ता है देखने से तो हर चीज बढ़िया नहीं लगती चलो भाई इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस है ना वो एक्चुअली में फ्रेंच प्रोसेस है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेस माना जाता है इसकी माने लो उसमें ये प्रोसेस हुई है उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस का वो है। अच्छा एक बार देखते हैं पीके क्या है क्या हम बता पाएंगे लोगों को। तूने ट्राई करी वैसे आज इससे भाई पहली बार ग्रहण लग रहा है चलो चलो दोनों पे ट्राई करते हैं। वैसे मैंने चलो भाई खोलो चलो
खुला बोतल खोलने का कार्यक्रम चालू करते हैं। बोतल का जो डिजाइन है ना वो तो खूबसूरत है ही, इसे खोलने का तरीका भी बड़ा यूनिक है। बिल्कुल भाई, एक बार जहां तक मेरे को याद है इसको पहले ऊपर से ऐसे हटाते हैं। बिल्कुल भाई हटाइए। अब जैसे जैसे सूरज के ऊपर ग्रहण आता है ना वैसे वैसे बोतल ओपन होगी। ये देखिए, ओहो ओहो ओहो, आई होप कि खुल गई है। ओहो सही है यार, आई गेस इस टाइप का ढक्कन ना पहले उसमें भी आता था स्टार वॉकर में। आई गेस का ढक्कन पहले आप ऑल सीजन में भी आता है। ऑल सीजन सबसे पहले ऑल सीजन में तो स्टार्ट करा था ना ब्रांच। अच्छा। उनके बाद ऐसी ओपनिंग ब्रांच था। चलो नए ब्रांड नई चीजों के साथ लॉन्च करते हैं, थोड़ा फैंसी बनाते हैं लोग थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। अरे बिल्कुल भाई जी। चलो जी ये हमारी क्लिप्स। तो भाई ये कलर तो नो डाउट एम्बर गोल्डन एम्बर कलर जैसा होता है, बहुत ही अच्छा कलर है मैं कहूंगा इसकी। इसके जो कलर होना चाहिए वो है तो जो नेचुरल कलर ऐड किया है उन्होंने, ठीक है कॉम्प्लीमेंटिंग कलर है, ऐसा नहीं ओवर है, लाइट मेलन है। मूविंग करें। बिल्कुल। इसका ना नोजिंग डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा नो डाउट स्कॉच की तरह नोजिंग, जैसे स्कॉच का हम नोजिंग करते हैं ना, मैं कहूंगा इसका इसकी नोजिंग ना थोड़ी थोड़ी उसकी तरह टीचर्स की तरह, मतलब बहुत ही ओवरपावरिंग नहीं है, ओवरपावरिंग नहीं है, बट ये कि थोड़ा सा इसका प्रेगनेंस ना अच्छा लग रहा है। मैं कहूंगा ना वाइल्ड में ऐसे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स की खुशबू आती है, कुछ वैसा थोड़ा सा मतलब वुड का जाते हुए होता है उस तरीके से, मतलब हल्का जो कहेंगे ना एकदम गुनगुना सा मौसम जो होता है उसके लिए मैं कहूंगा उस तरीके से। यार मतलब भाई मैं कहूंगा स्मेल बढ़िया है, एक नंबर है भाई, स्मेल तो अच्छी है इसका, मतलब नोजिंग अच्छी है, नोजिंग अच्छी है और ओवरपावर्ड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसे ज्यादातर विस्कीज होती है ना इंडियन विस्कीज खासतौर से इतनी दूर से ही आप उनको स्मेल कर सकते हो, बट ये इसकी अरोमा स्मेल के लिए आपको बिल्कुल लेमन ग्रास और वनीला काफी प्रोमिनेंट है इसमें, और वाइल्ड फ्लावर जैसे बोल रहा है, थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा फ्रूटी जो इफेक्ट बोलते हैं, फ्रूटी इफेक्ट ऑब्वियस है। आप देखते हैं टेस्ट के बाद भी इसका फ्रूटी जो फ्लेवर है वो रहता है या नहीं रहता, या स्कॉच जो डोमिनेट करते हैं देखते हैं एक बार। ठीक मैं कहूंगा इसकी हल्की सी हार्श है, बहुत ही हल्की, लेकिन फ्लेवर आपका इसका जो होता है ना वो लेमन का और जो वाइल्ड का ओक का जो फ्लेवर है, अब स्मेल के टाइम पे ओक का फ्लेवर बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब इसे पीते हो ना और थ्रोट के अंदर लेते हो तो हल्का सा इसके अंदर ओक का फ्लेवर आ रहा है, इसके अंदर बैरल चार्ज भी है। ये दो तीन चीजें जो बहुत ज्यादा मतलब मुंह पे पैलेट पे पता चलेगा आपको, सबसे पहले तो स्मोकी है, स्मोक हैवी है, ठीक है, हाईलैंड का इन्होंने स्कॉच इस्तेमाल किया हुआ है इसमें, तो और हाईलैंड स्कॉच थोड़ी सी स्मोक हैवी होती है, स्मोक हैवी है बिल्कुल, जैसे ही आपके माउथ पे पैलेट पे आपकी विस्की जाएगी पीछे से एकदम से स्मोक का बिल्कुल थ्रोट पे बिल्कुल स्मोक का इफेक्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज ना, अब मेरे को पता नहीं कैसे या क्यों, अगर आप लोगों ने नेस्कैफे पियो इंस्टेंट कॉफी जो होती है, ठीक है, जिसमें कैरेमल हल्का सा कैरेमल वाला जो चीज आती है उसके कॉफी के अंदर, हाँ थोड़ा सा नेस्कैफे वाला जो है ना जो बिल्कुल नेस्कैफे का टेस्ट इसमें आपको बिल्कुल पता चलेगा, बिल्कुल कॉफी में बोल रहा हूँ वो भी नेस्कैफे ब्रांड का नाम लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका एक्चुअल टेस्ट ना यार क्या बात कर, इंडिया में अगर कोई कॉफी अगर दिमाग में आती है ना तो वो नेस्कैफे ही आती है भाई। और तीसरी सबसे जो सबसे डिस्टिंक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल चीज जो मेरे को लगी इसमें कि बहुत ज्यादा ही मीठी है, ठीक है, मीठी विस्की है नो डाउट मीठी है, और ये मिठास जो है ना, ये मिठास जो है ना आप जैसे इसको जुबान पे रखोगे तो सारे के सारे टेस्ट है इसमें, स्पाइसी भी है इसमें, वेनिला टेस्ट भी है इसमें, जैसे मैंने बताया नेस्कैफे का भी हिंट है, साथ ही स्मोकी इफेक्ट भी आपको पता चलेगा जब ये सारी चीजें मिक्स हो रही है, और जब पैलेट पे आप फील करोगे ना आप देखोगे इन सभी को एक बैलेंस या तो पकड़ के रखा हुआ है बांध के रखा हुआ है मिठास में, ठीक है, मैं ये कहूंगा कि काफी हद तक ना बर्बन को मैच कर रही है, स्कॉच इस्तेमाल हुआ है बट इसका जो टेस्ट है ना काफी ज्यादा बर्बन से मिलता जुलता है। मैं इस पे और एक चीज कहूंगा, इसका इसमें मिठास इसलिए थी क्योंकि ये विस्की ना दूसरी विस्की से अलग आपको इसलिए भी बनाती है, उसमें नॉर्मल से ज्यादा इसमें ग्रेप्स यूज हुआ है, हाँ
जो कि मेरे ख्याल से यही इस वजह से मीठी हो रही है, क्योंकि इसमें ग्रेप जो होता है वो यूज हुआ है इसका बेस प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ग्रेप का काफी इस्तेमाल है, तो शायद उस वजह से मिठास इसमें ज्यादा है, क्योंकि वाइन्स के इनके स्पूला के सारे प्रोडक्ट वाइन्स के प्रोडक्ट है, उनमें ग्रेप यूज होता है, तो और जो मेन कंपनी का जो है इसके साथ आर्टिसन स्पिरिट्स है, तो उनका भी ग्रेप के थ्रू ही बिजनेस है सारा। अच्छा जी हाँ, तो इसलिए इसमें ग्रेप्स यूज होना एक नॉर्मल बात मानी जा सकती है। तो मतलब ये एक तरीके का नया कैटेगरी टाइप इन्होंने कुछ निकाल दिया, जैसे बर्बन में बिल्कुल वो लोग कॉर्न यूज करते हैं 51% से ज्यादा, यहाँ पे इन्होंने ग्रेप यूज किया, उतना ज्यादा नहीं है बट ग्रेप यूज किया, और ग्रेप का फ्लेवर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि कम भी यूज करो तो भी वो ओवरपावरिंग हो जाता है। अब इसमें ओवरपावरिंग नहीं है बट मिठास है काफी ज्यादा, और वो जस्टिफाई करता है कि उन्होंने साफ साफ बोल रखे कि हम इसमें ज्यादा ग्रेप यूज करेंगे इसलिए इसमें मिठास भी होगी। बिल्कुल, तो एक बार और ट्राई करते हैं इसको। मुझे और स्मूथ लग रही है अभी दूसरे लेवल पे, और तो है नो डाउट स्मूथ है। अगेन जैसे ही अब ये पैलेट से नीचे उतर जाती है ना, थोड़ा सा कॉफी का टेस्ट आएगा। मैं कहूंगा अगर आपको टीचर्स पीनी है और ये पीनी है, दोनों को कॉम्पिटिशन में रख लो। मैं कहूंगा ये फ्लेवर के मामले में ये डोमिनेट करेगा आपको, मिठास की वजह से। आई थिंक कि जो नए जो विस्की स्टार्ट करते हैं उनको शायद मिठास की वजह से ही अच्छी लगे। चलो अब एक बार पानी भी डाल के देखते थोड़ा सा, है ना, मैं अपने और अभी के में थोड़ी सी और पोर करूंगा। देख लो बोतल भाई, रिसाइकल का सबसे बढ़िया है, ढक्कन पैकने की जरूरत नहीं है, इसी में लगाया, इसी के साथ जाएगा। कभी भी विस्की को अगर टेस्ट करना हो, उसका अगर रियल वैल्यू जाननी हो, तो उसमें पानी ज्यादा ऐड मत करना, 2 or 3 drops, दैट्स इट, इतना काफी है। काफी मेलो डाउन हो गया है सब कुछ, और ऑब्वियसली पानी मिलाने के बाद थोड़ा हो ही जाता है, तो अब तो जो थोड़ी बहुत बिल्कुल क्लोज स्मेल हो रही थी, बिल्कुल पास में आके स्मेल करना पड़ा था, तो वो भी कम हो गया। मैं ये कहूंगा एक बिगिनर के लिए ना, जो स्कॉच बाद में मूव ऑन टू जो स्कॉच पे मूव करेगा उसके लिए अच्छी बिस्की है। अगर इसका प्राइस थोड़ा और कम हो जाए ना दिल्ली के हिसाब से, मेरे ख्याल से इसका प्राइस इतना महंगा इसलिए क्योंकि ये लोग ग्रेप वगैरह और काफी ज्यादा एक्सोटिक चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो प्राइस की वैल्यू ना उसको पीने के बाद ही चलती है, फिर भी कोई भी अच्छा ब्रांड ले लो। मैं कहूँगा टीचर्स भी, अब तक टीचर्स हुआ, ब्लैक डॉग हुआ, शिवाज रिगल हुआ, जो इतने बड़े बड़े ब्रांड है, रेड लेबल हुआ, जब तक लोगों ने इसको पिया नहीं था उनको पता नहीं था कि इसके अंदर क्या है, वो समझते थे कि नॉर्मल बिस्की था, लेकिन सारे जो ब्रांड्स है ना अपने आपको यूनिक बनाते हैं, वैसे एक्लिप्स भी अपने आप को यूनिक बनाने के लिए एक अलग ही सेगमेंट होता है, इसके अपने अलग ही कस्टमर बनेंगे, अलग ही बनेंगे। फाइनली मैं ये कहूंगा इसके के बारे में कि स्मोक है, कॉफी का टेस्ट है, काफी लोगों को कॉफी टेस्ट अच्छा लगता है अपनी विस्की में, और सबसे बेस्ट चीज ये इसमें जो टेस्ट प्रोफाइल है ना इस विस्की का, ये मिक्सिंग के लिए कॉकटेल्स वगैरह बनाने के लिए बहुत वन ऑफ द बेस्ट विस्की मेरे को लग रही है ये, क्योंकि इसमें जो टेस्ट प्रोफाइल है ना इसके साथ अगर सही इंग्रेडिएंट्स को ऐड करें तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके के कॉकटेल्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है, तो वो है। और इसके अलावा हिस्ट्री तो ज्यादा इसकी है नहीं, अभी रिसेंटली आई गेस 2017 जनवरी में ही लॉन्च हुई है, 2017 जैन का लॉन्च है इसका, ज्यादा टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम भी नहीं हुआ आए हुए, तो ऑब्वियसली ज्यादा हिस्ट्री कुछ है नहीं है, और 1250 रुपए का प्राइस टैग थोड़ा सा ज्यादा है मेरे हिसाब से अभी भी, क्योंकि अगर मैं आप ये एक एक्सपेरिमेंटिंग विस्की टाइप होगी कि कुछ नया ट्राई करने के लिए, हाँ क्योंकि हमेशा तो वो अपनी वाइन बनाते रहे हैं, पहली बार उन्होंने इसकी ब्रांड बता रहे हैं, हाँ अदरवाइज अगर ये कंपटीशन में आना चाहते हैं तो कंपटीशन के हिसाब से ये काफी महंगी विस्की है, क्योंकि जस्ट कंपटीशन अगर हम इसको देना चाहें अभी करंटली तो स्टार वॉकर हो गया 950 रुपए की आती है, मैकिल तो सुबह 950 के आसपास की आती है, उसके अलावा और थोड़ा सा जाए तो रॉकफोर्ड हो गई, रिजर्व टाइप वगैरह जो हो गई है जिनमें थोड़ा स्मोक वगैरह भी होता है जो काफी लोगों को काफी पसंद भी है, ये सारी 1000 रुपए के अंडर आ जाती है, और ये है 1250 रुपए की है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी महंगी है, बट हाँ अगर आप ट्राई कर रहे हो तो फ्लेवर वाइज काफी अच्छी है इसकी, बाकी आपके ऊपर है, आप देखो टेस्ट करो और बताओ कि दूसरे लोगों पे दूसरी बिस्किट पे ग्रहण लगा पाती है नहीं लगा पाती है ना, जैसे के नाम एक्लिप्स है, हम तो कहेंगे कि नई नई बिस्किट लाया वो ट्राई करो,
और बढ़िया चकना बनाओ और खाओ. साथ में रवि हमेशा से कहता है, मैं भी कहता हूँ, सब लोग कहते हैं नो ड्रिंक एंड ड्राइव. एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगे तो, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, रिव्यूज वगैरह बताना उनको भी, और मेरे को और रवि को सब्सक्राइब करना. बिल्कुल लाइक दोनों का पार्ट बनो यार, बिल्कुल तो चाहते हैं लोग हमारा पार्ट बने. आपका प्यार हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा और कर रहा है. हम ग्रो, जितना हम ग्रो करेंगे उतने ही नई नई चीजें और नए नए एक्सपेरिमेंट हम आपको इस चैनल पे करके दिखाएंगे. बिल्कुल ठीक है. हम चाहते हैं कि ये हमारा एक फुल टाइम पैशन जो है वो बन जाए, तो उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है. तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हमारे चैनल पे हर समय आपको दो चीजें मिलेंगी, मैं और रवि, चकना और दारू. बिल्कुल, इसलिए हमारे चैनल का नाम है लाइव दोगुना. बिल्कुल चलिए तो भाई, चल भाई लास्ट ईयर आज के लिए चीयर्स.